हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक विद बबलू यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और आप अपना जो संपत्ति कर है या जो पानी का बिल है वो पेमेंट करना चाहते हैं, ऑनलाइन भरना चाहते हैं, तो किस प्रकार से भरेंगे। आज की इस वीडियो में मैं यह भी बताऊंगा कि अगर आप भोपाल से भी बिलोंग करते हैं, अगर आप जाते हैं फोन पे पे पेटीएम पे और वहाँ पे आप सेलेक्ट करते हैं भोपाल नगर निगम, तो उस पे ऑप्शन आता है और जैसे आप सेलेक्ट करते हैं तो वहाँ पे आपका जो बिल का डिटेल्स है वो नहीं मिल पाता है। आज की इस वीडियो में हम इस पे भी बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो पे आप अंत तक बने रहिएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो पे जरूर लाइक करिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि 1000 जो सब्सक्राइबर का क्रिटेरिया है यूट्यूब की वो हम कंप्लीट कर पाए। चलिए बिना समय वेस्ट किए हुए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में गूगल क्रोम को ओपन करना है और गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपको सिंपली टाइप करना पड़ेगा BMC ऑनलाइन। सिंपली आपको ये लिखकर एंटर बटन पे प्रेस करना है। जैसे ही आप एंटर बटन पे प्रेस करेंगे तो आपके सामने फर्स्ट जो लिंक आएगा वो आएगा bmconline.gov.in, इसी पे आपको क्लिक कर देने हैं। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं जो भोपाल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जो ऑफिशियल साइट है वो ओपन हो जाता है। यहाँ से ओपन होने के बाद आपको सिंपली जब नीचे की तरफ जाएंगे तो नीचे की तरफ जैसे आप जाते हैं तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ऑनलाइन पेमेंट, या तो आप इस पे क्लिक कर सकते हैं या तो आपको ऊपर भी देखने को मिल जाएगा ऑनलाइन पेमेंट, इस पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसी पे क्लिक करता हूँ। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाता है। इस पेज में आपको क्या करना है कि अगर आपको अपना जोन नंबर पता है वो एंटर करना है, वार्ड नंबर एंटर करना है और इन तीनों में से यानी यहाँ पे जो प्रॉपर्टी क्रमांक, रजिस्टर संख्या, मोबाइल नंबर, ENPID, यानी अगर ये मालूम है आप तो एंटर करिए, अगर नहीं मालूम है तो सिर्फ आप अपना एड्रेस भी पता कर सकते हैं या जिस नाम से आपने कनेक्शन करवाया है उसका भी नाम एंटर करके आप पता कर सकते हैं, आपका जो कनेक्शन आईडी है वो पता कर सकते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पे एंटर करते हैं, जोन नंबर मैंने एंटर कर लिया, वार्ड नंबर एंटर कर लिया, देन यहाँ पे अगर आपने मोबाइल नंबर रजिस्टर करवाया है कनेक्शन आईडी में तो आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करना है। तो मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद आपको बाकी का डिटेल्स फिल करने की कोई जरूरत नहीं है, यानी इनमें से आप कोई एक को फिल कर लीजिए। इसके बाद आपको एग्जीक्यूट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप एग्जीक्यूट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे डिटेल्स देखने को मिल जाता है, जिसमें प्रॉपर्टी आईडी आपको देखने को मिल जाता है, ऑनर नेम मिल जाता है देखने को। आपको यह भी बता दो कि यहीं से आप क्या कर सकते हैं, पानी का भी बिल चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी आईडी यहाँ पे देखने को मिल गया, किस नाम से हमने कनेक्शन करवाया है वो देखने को मिल गया। जैसे आप इधर की तरफ जाते हैं तो आपको यहाँ पे पूरे जो भी आपका एड्रेस है और आपको कितना पे करना है ये सब देखने को मिल जाता है। अब देखिए यहाँ पे आपको सभी चीज देखने को मिल जाता है। यहाँ से क्या करना है आपको, सिंपली जो ये नंबर है, जो यहाँ पे आपको नंबर दिखाई दे रहा है 1000111019, इसको आपको लिख लेने हैं और देन आपको यहाँ से क्लिक करने हैं ऑनलाइन पेमेंट पे। यहाँ से आपको ऑनलाइन पेमेंट पे यहाँ पे क्लिक करने हैं। जैसे आप ऑनलाइन पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं वही जो आपने लिखा था उस नंबर को यहाँ पे एंटर कर लेने हैं। अगर आपको डायरेक्टली आपका कनेक्शन आईडी पता है संपत्ति कर का वो एंटर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पानी का बिल चेक करना चाहते हैं तो सिंपली आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो देखिए ये सेलेक्ट हो गया। इसके बाद यहाँ पे आपको जो पानी का जो
कनेक्शन आईडी है वो यहाँ पे एंटर करना है और खोजे के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो मैं सिंपली यहाँ पे अभी जो प्रॉपर्टी टैक्स है उससे ही पता करना चाहता हूँ। तो सिंपली यहाँ पे जो हमने अभी उधर देखा था पिछली पेज में वो यहाँ पे आपको एंटर कर लेने हैं। तो 111 था 019। इसके बाद यहाँ पे आपको आगे बढ़े के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप देखिए क्लिक करते हैं तो आपके सामने पूरा इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको यहाँ पे पानी का बिल भी देखने को मिल जाता है। आप देख सकते हैं ये जो आपको स्टार्टिंग का यहाँ पे दिख रहा है ये है संपत्ति कर का, और नीचे का जो दिख रहा है आप देखिए यहाँ पे जैसे आप प्रॉपर्टी टैक्स पे आते हैं तो देखिए यहाँ पे बिल का जो यहाँ पे पेमेंट कितना का बना है, बिल कितने का बना है, 1174 का। और नीचे आप देख सकते हैं कि ये जो है ये वाटर यूजर का है, यानी जो आपका पानी का बिल बना है ये नीचे दिखाई दे रहा है। इसके अलावा आप ये वाला जो दिख रहा है यहाँ पे ये जो पानी का बिल का जो कनेक्शन आईडी यहाँ पे एंटर करेंगे तो यहाँ से भी आपको पानी का बिल देखने को मिल जाएगा। अब इसको पेमेंट करना है आपको तो सिंपली यहाँ पे क्या करना है, ऑनलाइन भुगतान के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ से करने के बाद यहाँ पे सिंपली आपका ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी एंटर करें, या वो नहीं भी करेंगे तो कोई जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। यहाँ से आपको भुगतान करें के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप भुगतान के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन हो जाता है पेमेंट करने के लिए। यहाँ से आप नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, वॉलेट से कर सकते हैं, आपके पास डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड है उससे कर सकते हैं, यूपीआई है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, जो भी ऐप है उससे आप पेमेंट कर सकते हैं। और उसके बाद आप स्कैन यानी क्यूआर कोड आएगा उसको स्कैन करके भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं आप पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको यूपीआई क्यूआर यहाँ पे जैसे आप सेलेक्ट करते हैं यूपीआई क्यूआर और यहाँ से पे ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक क्यूआर कोड जनरेट हो जाता है। आप देखिए यहाँ पे और यहाँ से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे स्कैन क्यूआर कोड, यहाँ से इस पे गए, देन यहाँ पे यूपीआई क्यूआर कोड और पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक किए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक क्यूआर कोड जनरेट हो जाता है और यहाँ से आपको पेमेंट करना पड़ेगा स्कैन करके अपने यूपीआई के थ्रू। तो इस प्रकार से आप अपना जो संपत्ति कर है और जो वाटर बिल है उसका पेमेंट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में जरूर पूछें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और आगे आप किस प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं वो भी कमेंट में आप पोस्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।